नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अम्बेडकर नगर में इलाज के अभाव में जिला अस्पताल के बाहर वरिष्ठ पत्रकार देवा पांडे ने दम तोड़ दिया। लगातार वो एक एक सांस के लिए तड़प रहा था, ना तो ऑक्सीजन मिली ना ही बेड नसीब हो पाया। किसी बड़े अधिकारी ने फोन तक नहीं उठाया। कोरोना के लक्षण की वजह से लगातार उसकी सांस फूल रही थी और आखिरकार इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा हो चुकी है और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 90 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना एक बार फिर से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जनपद में 360 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इसके तीसरे चरण में आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी यहाँ पर होना है, मतदान होना है और जिला प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव बड़ी चेतावनी बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार का संक्रमण बढ़ रहा है। शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक यहां पर कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पंचायत चुनाव से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उनकी ही आवाजाही रहेगी। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ये नए आदेश जारी किए हैं। पीलीभीत जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज जिले के कप्तान किरीट राठौर ने एक बड़ा फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने का काम किया है। किरीट राठौर ने जिले के ग्रामीण इलाकों में ये फ्लैग मार्च किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पीलीभीत जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज जिले के कप्तान किरीट राठौर ने एक बड़ा फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्वक पंचायती चुनाव में मतदान करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने का काम किया। किरीट राठौर ने जिले के ग्रामीण इलाकों में ये फ्लैग मार्च किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला पुलिस, पीएसी, कई थानों के पुलिस, सदर, एसडीएम, सदर, सीओ भी शामिल हुए। इसके अलावा सीओ सदर ने भी जहानाबाद, अमरिया और न्यूरिया थाना अध्यक्ष और पीएसी सहित जहानाबाद इलाके के अति संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया। साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की अपील की है। वहीं एसपी किरीट कुमार का कहना है कि इन पंचायती चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और जिले में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है, जो कि 26 अप्रैल को शांतिपूर्वक कराया जाएगा। ये 26 तारीख को जनपद पीलीभीत में ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, त्रिस्तरीय चुनाव आयोजित किया जाना है। ये फ्लैग मार्च के थ्रू जो भी वोटर्स है उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बिना भय के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी के दबाव में आए अपने वोटिंग राइट का ये प्रयोग करें और अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। कौन कौन शामिल हुआ है इसमें फ्लैग मार्च में आपके साथ? फ्लैग मार्च में हमें पीएससी का कुछ फोर्स मिला है चुनाव कराने का, हम लोग शामिल हैं, और सिटी सर्किल के थाने का फोर्स शामिल है और पुलिस लाइन से कुछ पुलिस बल मिला है, ये सब लोग शामिल है। सीओ सिटी साहब और एसडीएम साहब भी साथ में मौजूद है। फिरोजाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री ग्राम अनवारा के बिहड़ों में चलाई जा रही थी। बीती रात पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अधबने तमंचे और बने उपकरणों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव अनावरा के बिहड़ों में कई महीनों से चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीती रात छापेमार कर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से दो दर्जन बने और अधबने अवैध तमंचे, राइफल के साथ बड़ी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण सहित एक आरोपी मोहन उर्फ पप्पू को भी गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी वीरभान और नितिन मौके से फरार हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिक्री के लिए असलहे बनाए जा रहे थे। एक असलाह 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए में बिक्री किया जाता है। फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी के चलते फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। फिरोजाबाद पुलिस लाइन के सभागार में एसएसपी अजय कुमार पांडे ने मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। बाकी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये थाना टुंडला जनपद फिरोजाबाद पुलिस को सफलता मिली है। इन्होंने एक असलहा बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अवैध असलहा बनाने वाले इस रैकेट का एक मुख्य सरगना पप्पू निषाद गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो लोग बचकर भाग निकले हैं।
जो गिरफ्तार हुआ है पप्पू निषाद, उसके कब्जे से कुल 22 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 11 तो अठबने असलहे हैं लेकिन 11 असलहे बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। इन 11 तैयार असलहों में 3 कंट्री मेड राइफल्स हैं, 1 12 बोर का तमंचा है, जबकि 7 अवैध तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ भारी मात्रा में असलहा बनाने के तमाम उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मुलजिम को इन तमाम ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेजा जाएगा। बाकी इसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। ये गुड वर्क करने वाली टीम को मैंने 15,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया है। फिरोजाबाद से किशन चंद, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।